तक क्षितिज भाग तीन का काव्य खंड का चौथा पाठ वेदन के ग्रंथ माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कहते हैं उसको मिला। बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी ये छायावाद सॉरी द्वेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। द्वेदी युग जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर चला जिन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर खड़ी बोली को विशेष महत्व प्रदान किया। ब्रज बोली को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। खड़ी बोली को उनके काव्य गद्य मतलब आप उनकी जो हिंदी भाषा थी उसमें इतना परिमार्जन किया कि उनके विशिष्ट योगदान के यही एक युग का नाम के नाम पर रख दिया गया। बच्चों जैसे मैं आपको बताती हूँ कि साहित्य के हिंदी साहित्य के जो युग है जिनमें वीर गाथा काल भक्ति काल रीति काल और आधुनिक काल है। आधुनिक काल के भी बहुत सारे भाग है। जैसे पहले सबसे पहला जो भाग आता है वो भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे रखा गया और उनके नाम पे रखा इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने गद्य जो हिंदी में गद्य विधा पढ़ते हो हिंदी साहित्य के अंदर गद्य विधा प्रारंभ उन्हीं से माना जाता है। और उसके बाद में द्वेदी युग आया जिसमें महावीर प्रसाद द्वेदी जी के नाम पे रखा। उन्हीं कवियों में यानी उसी युग के मुख्य कवि जो थे ये माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। इन्हें दादा के नाम से जाना जाता था और इन्हें हिंदी साहित्य का सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके काव्य में इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम इतना भरा हुआ था इतना ओतप्रोत था कि इन्हें राष्ट्रीय इनको भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो है वो 4 अप्रैल 1879 को हुआ था और कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। इनके पिता भी बहुत अच्छे थे। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए। 16 वर्ष की आयु में इन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई थी। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो न केवल एक शिक्षक थे बल्कि वो संपादन कार्य उन्होंने शुरू किया था। पत्र पत्रिकाएं जो थी उनके माध्यम से उस समय जिस समय ये थे उस समय हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के शासन के अधीन था। तो उन अंग्रेजों के शासन के विरोध में उनके मतलब विरुद्ध इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय जनता को आंदोलित स्वर उठाने का एक तरीके से कदम उठाया था। मतलब जो जन जागृति का जो स्वर होता है या विरोध का जो स्वर होता है वो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जनता के बीच में चलाना शुरू किया और इस कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। बच्चों तो वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। बच्चों जो प्रताप पत्रिका है अगर आप इसको समझो तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे कहाँ पर कानपुर में वो उन्होंने इस प्रताप पत्रिका का संपादन किया था। उस पत्रिका के माध्यम से वो ऐसे ओजस्वी लेख लिखते थे ऐसे ओजस्वी लेखों का संपादन करते थे जिनसे भारतीय जनता बहुत ज्यादा विरोध के स्वर को मतलब बढ़ाने वाला था। जनता जो जनता थी उसको जागरूक करते थे कि आपको आजाद होना है और आजादी के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा आपको विरोध का स्वर उठाना पड़ेगा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी से इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने जो पत्रिका जो प्रताप पत्रिका है उसके अंडर में कार्य करना शुरू किया था। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी रीतिनी साहित्य देवता हिम तरंगिनी वेणु लोक मुझे धरा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हिम कीर्तनी के लिए इन्हें सन 1955 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जब ये शुरू ही हुआ था तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को और उनकी रचना हिम कीर्तनी के लिए जो कि 1953 में लिखी गई थी। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो पद्म भूषण भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है इससे भी इन्हें विभूषित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी के अलावा भी वो इस नाम से भी कविताएं लिखते थे। वे कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी रहे थे। हम जो कविता पढ़ेंगे आज वो भी उन्होंने जेल के अंदर ही लिखी थी। जेल में अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जब यातनाएं मिलती थी कैदियों को भी भारतीय कैदियों को जिनमें भी वो कैदी जो राजनीति के अंतर्गत जेल में होते हैं अर्थात उनका विरोध में स्वर उठाते हैं उन लोगों को क्या क्या यातनाएं दी जाती है कैसे उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं इसका वर्णन उन्होंने कविता के अंदर किया है। उन्होंने भक्ति प्रेम और प्रकृति
प्रकृति संबंधी रचनाएं भी लिखी, लेकिन उन्होंने ज्यादातर किस आधारित कविताएं लिखी थी, भारतीय प्रेम से ओतप्रोत, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं उन्होंने लिखी थी। चतुर्वेदी जी की कविता में चंद्र की तुलना में भाव को अत्यधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्ध का रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। जबकि
राजनीतिक अपराधी नहीं है, इनके लिए अलग अलग जेल वगैरह होनी चाहिए थी, लेकिन इन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जो एक राजनीतिक अपराधी को मिलता है। इन्हें कहाँ रखा गया? डाकू, चोरों और लुटेरों के साथ में रखा गया। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जितना भोजन जीवन के लिए आवश्यक होता है या प्रतिदिन के लिए जितना भोजन भरपूर होता है उतना भोजन इन्हें नहीं मिलता था, पेट भर के खाना नहीं मिलता था इन लोगों को। मरने भी देते नहीं, इतनी यातनाएं देते थे, इतनी यातनाएं देते थे कि तड़प रह जाना थी, वो केवल तड़प कर रह जाते थे, उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता। उन्हें बच्चों आपने भगत सिंह की पिक्चर देखी होगी, आप जानती हूँ आप लोग बहुत पिक्चर के शौकीन हैं, तो भगत सिंह की जो आपने पिक्चर देखी उस भगत सिंह वाली मूवी के अंदर जब वो लोग जेल में जाते हैं और जब वो सत्याग्रह करते हैं, यानी जब आंदोलन करते हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, जेल में भी हमें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए, प्रॉपर सफाई वगैरह होनी चाहिए, तो जब वो चीज से आवाज उठाते हैं तो उनके आंदोलन को, उनके अनशन को तोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार जो होती है भरपूर प्रयास करती है, उन्हें इतनी प्रताड़नाएं दी जाती है, उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है कि ना तो वो मरते हैं ना ही वो जीते हैं। तो उसमें भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जो थे, इन तीनों को तो फांसी हो गई थी, इनका पूरा ग्रुप था, तो पूरे ग्रुप को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और उन्हें तड़पाया जाता था बुरी तरह, कोड़े मारे जाते थे, उनको खाना नहीं दिया जाता था, मतलब पानी के लिए उन्हें तरसाया जाता था। ऐसी कंडीशन में कवि कह रहा है कि हमें मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, हम केवल तड़प कर रह जाते थे, इतनी यात्राएं हमें दी जाती थी। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि हमारे जीवन पर दिन रात अंग्रेजी सेना का, अंग्रेजी सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है, हम कुछ करने योग्य नहीं रह जाते। शासन है या तब का प्रभाव गहरा है, अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि अंग्रेजी शासन कैसा है ये, या तब का प्रभाव गहरा है कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, कि कैसा अंग्रेजी शासन है जहाँ हमारी इच्छाओं की, हमारी मांगों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, हमें ना तो घर पे खाना दिया जाता है, ना हमें ढंग से जीने दिया जाता है, तो ऐसा जीवन तो अंधकार का प्रतीक है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है इस ब्रिटेन शासन में, यानी अंग्रेजी शासन में। हिमगढ़ निराश कर चला रात भिकाली, यहाँ में हिमकर आया है चंद्रमा के लिए, कि चंद्रमा भी निराश होकर चला जाता है, यानी जिस इनकी जो कोठरी है, इस कोठरी के अंदर जो रोशनदान छोटा सा खिड़की बनी हुई है ऊपर की साइड में, उस खिड़की में केवल चंद्रमा का ही प्रकाश आ सकता है, क्योंकि लाइट वाइट उस समय नहीं थी इनके वहां पर जेलों में, तो उस चंद्रमा के प्रकाश का जो रोशनी होती है वो भी उनकी जेल के अंदर नहीं आ पा रही। तो इसलिए अगर कवि ने कहा है कि हिमकर भी, यानी चंद्रमा भी निराश होकर चला जाता है और ये रात उसी तरह काली और अंधेरी हो जाती है, एक तो कमरे में वैसे ही अंधेरा है, दूसरा चंद्रमा की रोशनी भी उस कमरे में नहीं आ पा रही, तो चारों ओर कवि को अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। इस समय काली को हमें जगी क्यों मानी, आप यहाँ पर एक पोयम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ये बच्चों ये कविता है पूरी की पूरी संबोधन शैली में लिखी हुई है, जैसे कृपाराम खियर जी का राजिया का सोठा संबोधन शैली में था, ऐसे ही इनकी कैदी और कोकिला कविता भी संबोधन शैली के अंदर है, कोयल को संबोधित करते हुए कविता उन्होंने लिखी है। तो वो कोयल को कह रहे हैं कि इस अर्धरात्रि के समय हे कालीमा मई, अर्थात कोयल पूरी की पूरी काली होती है, उसका पूरा शरीर काला होता है, कि हे कालीमा मई कोयल, हे सखी तू इतनी रात को क्यों जगी हुई है, ये तो सबके सोने का समय और तू इस समय जग रही है, क्यों भूख पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लगा। अब यहाँ पर जो कोयल है इसकी वाणी में उन्हें वेदना व्यथा नजर आ रही है, एक चीख लग रही है उनको उसकी कोयल की बोली, तो उसने पूछ रहे हैं कि क्यों भूख पड़ी, आखिर क्या दर्द है कि तुम इतनी रात गए, इतने अंधकार के अंदर तुम बोलने पर विवश हो, अपनी व्यथा को बताने के लिए तुम इतनी व्याकुल हो, आखिर बात क्या है, वेदना बोझ वाली सी तुम्हारी वाणी में मुझे, तुम्हारा जो स्वर है उसके अंदर मुझे पीड़ा नजर आ रही है, मुझे पीड़ा का स्वर सुनाई दे रहा है, कोकिल बोलो तो आखिर बात क्या है, कोयल बोलो तो सही, क्या लूटा, आखिर तुम्हारा क्या लूट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो हे कोकिला, हे कोयल तुम तो मधुर वैभव को बताने वाली हो, अर्थात तुम्हारी वाणी के अंदर जो मधुरता है वो लोगों के मन को हर्षाने वाली है, लोगों के मन को खुश रखने वाली है, उनको प्रसन्नता देने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हारी वाणी में जो व्याकुलता है, ये जो पीड़ा है, ये जो व्यथा है, आखिर किस कारण है, तुम तो मधुर वैभव की रखवाली हो, तुम तो मधुरता की रक्षा करने वाली हो, हे कोयल बोलो तो आखिर बात क्या है, तुम क्यों इतनी अर्धरात्रि को आकर के स्वर कर रही हो और अपनी पीड़ा का बखान कर रही हो।
रही हो, आखिर बात क्या है बताओ तो सही, क्या हुई बावली? अर्धर रात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी रात को आवाज कर रही हो? यानी तुम इतनी रात्रि को कोयल का आना, कोयल का बोलना उसे आश्चर्यचकित लग रहा है, और इसलिए वो कोयल से कह रहे कि क्या तुम पागल हो गई हो जिस आधी रात में आकर के चीख रही हो? कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं ने दिखी कोकिल, बोलो तो कि तुम्हें जंगल की कौन सी अग्नि नजर आ गई? जब जंगल में आग लगती है तो पशु पक्षी जो है वो शहर की ओर कूच करते हैं, यानी वो अपना बचाव करना चाहते हैं। तो ऐसा कवि आगे इसलिए कह रहा है कि क्या तुमने जंगल की आग को देख लिया है? जंगल से जो पेड़ नष्ट हो रहे हो तुमने उनको देख लिया है, इसलिए तुम यहाँ आ गई हो? हे कोयल बोलो तो, यहाँ पे दूसरा अर्थ उन्होंने ये लिया है कि हे कोयल क्या तुमने अंग्रेजी सरकार की पीड़ा, अंग्रेजी सरकार जो यातनाएं दे रही है उन यातनाओं को देख लिया है कि तुम इतनी अर्ध रात्रि को यहाँ पर वार्तालाप करने के लिए आई हो? क्या देख ना सकती गंधीरों का कहना? अब यहाँ पर जो कैदी होते थे उन कैदियों को जेल के अंदर सलाखों के अंदर हथकड़ियां बेड़ियां इनके अंदर रखा जाता था, सलाखों में भी उनके हाथ पर बांध दिए जाते थे बच्चों। तो यहाँ पर जो कवि है वो उससे कह रहा है, क्या कह रहा है कोयल से कि क्या, तो यहाँ पर कोयल से कवि कह रहा है कि क्या तुम जंजीरों को नहीं देख सकती? अरे ये गहना, ये जंजीरें जो है, ये जंजीरें तो आंदोलनकर्ता के लिए या एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति के लिए गहने हैं। हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना है। वो कह रही है कोयल कि तुम्हारे हाथ में जो हथकड़ियां हैं, कभी से कह रही है कि ये भी अच्छी नहीं है। तो कभी उत्तर दे रहा है कि क्या ये हथकड़ियां भी अच्छी नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, यानी ये ब्रिटिश शासन के अंदर जो कैदी है उनको दिए जाने वाले गहने हैं ये तो, और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए हमें ये चीजें मिली है, ये हमारा सौभाग्य है। कोलू का चतर चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब यहाँ पर जो यातनाएं दी जाती थी भारतीय कैदियों को या उस समय ब्रिटिश शासन के अंदर जो कैदी होते थे उनको किस प्रकार यातनाएं दी जाती थी, देखो कोलू का चतर चू। अच्छा कोलू क्या होता है? पहले के जो जमाने थे, आजकल तो मीन हो गई है, पहले के जमाने के अंदर कोलू के अंदर जो तेल निकालने वाले बीज होते थे उनको डाला जाता था, उनके अंदर मतलब एक सर्किल होता था, उस सर्किल के अंदर बैल को बांधा जाता था, और बैल जैसे जैसे घूमता था वैसे वैसे वो बीज घूमते थे, और बीजों के घूमने से घर्षण होने से उससे तेल निकलता था। तो वहां पर जहाँ बैल उस कोलू को घुमाने का कार्य करते थे, वो कार्य यहाँ पर किससे करवाया जाता था? कैदियों से करवाया जाता था, और एक दिन में उनसे 30 मिलीलीटर या मानो 30 लीटर तेल उनसे निकलवाया जाता था। अगर वो नहीं करते थे ऐसा तो उन्हें यातनाएं दी जाती थी, कौड़े बरसाए जाते थे उनके ऊपर, उनको खाना नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोलू का चतर चू जीवन की तान, यानी कोलू के कोलू चलाने पर जो आवाज होती है चर चर की, वो आवाज नहीं बल्कि हमारी तान बन गई, हमारे जीवन का संगीत बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी यानी पत्थर तोड़ने का कार्य वहां पे कैदियों से करवाया जाता था, तो पत्थर तोड़ने की जो आवाज होती थी वो उनकी उंगलियों पे गीत गान हो गई, यानी गाने के अनुसार जैसे म्यूजिक चलता है वो म्यूजिक के अनुसार वो मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड हो गए उनके दिमाग में। तो हमारे जीवन में संगीत क्या हो गया? कोलू का जो चरवच्छु होती है वो हमारा संगीत हो गया, और गिट्टी पर उंगलियों ने क्या लिख दिए? गाने लिख दिए। पत्थरों के ऊपर निशान पड़ गए, ऐसे मानो उनके हाथों के ऊपर पत्थर तोड़ने के निशान पड़ गए हैं, वो क्या हो गया? उनके जीवन का गाना हो गया। वो मोट खींचता लगा पेट पर धुआं, अर्थात कुएं के अंदर से चमड़े का बड़ा सा थैला या बर्तन टाइप का होता था, उसको भर करके निकालना होता, निकलवाया जाता था कैदियों से खेती करने के लिए। तो उसको मतलब खींचने के लिए पेट पर रस्सा बांधा जाता था और कुएं में से उसको खींचा जाता था। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो मोट खींचता लगा पेट पर धुआं, उसको धुआं बोला जाता था, तो उसके द्वारा बहुत सारा पानी बहुत भारी होता था, वो उनसे खिंचाया जाता था कैदियों से। तो इस प्रकार की उनको यातनाएं दी जाती थी, खाली करता वो ब्रिटिश करता हुआ, और इस प्रकार जब उनको कैदियों को यातनाएं दी जाती थी तो वो और जोश में आते थे कि मतलब अंग्रेज सरकार तो ये चाहती थी कि इनका मनोबल टूटे, लेकिन जब इनको ये यातनाएं दी जाती थी तो इनका मनोबल टूटता नहीं था बल्कि और ज्यादा बढ़ता था, और इस मनोबल को कभी और ज्यादा घुमाता है, और ज्यादा जोश उसमें आता है जब ये यातना उन्हें दी जाती है, ये उन कार्यों को और ज्यादा जोश से और ज्यादा साहस के साथ में करते हैं। कहते हैं कि हम ब्रिटिश की अकड़ को, जो ब्रिटिश शासन है उसकी अकड़ को खत्म कर देंगे। दिल में करुणा क्यों जगे?
बुलाने वाले, इसलिए रात में गजब का गजब खा रही लाली। अब यहाँ पर कवि कोयल से कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज दिन में करुणा की ओर जगह बुलाने वाली की, तुम्हारी जो आवाज है ये तुम दिन में सुनाने की क्या क्षमता नहीं है तुमने, क्या तुम्हें ताकत नहीं कि तुम दिन में आकर के इस आवाज को सुना सको, अर्थात ब्रिटिश शासन के खिलाफ तुम आवाज उठा सको, क्या इतनी तुम्हें हिम्मत नहीं तुम दिन में आकर के उसके विरुद्ध आवाज उठा सको, इसलिए रात में गजब ढा रही वाली, इसलिए सखी हे कोयल, इसलिए तुम रात में आकर के स्वर उठा रही हो ताकि तुम्हें कोई देख ना सके, ताकि तुम्हारी आवाज जो है वो ब्रिटिश शासन की ओर यानी ब्रिटिश जो अंग्रेजर है उनके उनकी तरफ न जाए, इसलिए तुम रात में आकर के स्वर सुना रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रहे क्यों हो कोकिल बोलो तो, कि इस अर्धरात्रि के समय जब सारी दुनिया सो जाती है, सारा संसार सो जाता है, इस समय अंधकार को भेद यानी अंधकार को चीरने वाली, अंधकार को भेदने वाली तुम्हारी जो ये आवाज है, ये करुणा भरी जो तुम्हारी व्यथा भरी जो वाणी है, ये आखिर क्यों है, तुम बोलो तो सही, आखिर क्या परेशानी है, ऐसी क्या पीड़ा है जो तुम इतनी रात्रि को तुम्हें बोलना पड़ रहा है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, कि तुम चुपचाप रात के समय आकर के इस तरह विद्रोह के बीज बो रही हो, क्या ये अच्छी बात है, नहीं तुम्हें सबके सामने आकर के अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपने विरोध को सबको सबके सामने प्रदर्शित करना चाहिए और दिन के समय ऐसा कार्य तुम्हें करना चाहिए, इस भांति बोल रही क्यों, कि ये गलत है, तुम्हें दिन तुम्हें रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में अपनी आवाज उठानी चाहिए, कोयल बोलो तो क्या ये सही है कि तुम रात के समय आकर के विद्रोह के रूपी बीज को उगा रही हो। आप कभी आगे वर्णन कर रहे हैं, काली तू रजनी भी काली की, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, काला है, ये जो रात्रि है रजनी अर्थात रात्रि, ये जो रात्रि ये भी काली है, शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासन की आड़ में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं यानी अंग्रेजी शासन की जो सत्ता संभालने वाले लोग हैं वो जो कार्य कर रहे हैं वो भी उनके काले कारनामे हैं, यानी वो भी गलत काम कर रहे हैं, काली लहर कल्पना काली, लहर भी काली होती है अर्थात गवर्नर में उठने वाली जो लहरें होती है वो भी काली होती है और कल्पनाएं भी काली है, मेरी काल कोठरी काली, मेरी मैं जो इस काल कोठरी में रह रहा हूँ ये भी काली है, टोपी काली कमनी काली की जो काम करने वाले हैं उनकी टोपियां भी काली है, उनकी कमनी यानी जो कमरों जो कमर में बांधते हैं वस्त्र वो भी काला है, मेरी लौ श्रृंखला काली, मेरी जो सलाखें हैं ये भी काली है, पहले की घुंघरते की गाली किस पर है गाली आली, कि इस मेरे मतलब हमारी जो जेब है इसके चारों ओर इतना कड़ा पहरा है, किस कड़े पहरे में तुम्हारी जो आवाज है ये गाली जैसी लगती है, पहरेदारों की जो आवाज है, पहरेदार आवाज करते हैं ना मतलब जैसे कैदी सोए नहीं है तो उनको क्या किया जाता है आवाज लगाई जाती है पहरेदारों के माध्यम से, जैसे आपको याद हो जब आपके दादा वगैरह थे उसमें छोटे थे उसमें चौकीदार निकलते थे दाग तेरा वो का सफर करते थे, तो वैसे ही आकर पहरेदार जो है वो आवाज करते हैं और उनकी जो आवाज है वो कवि को कैसी लग रही है, वो कवि को बहुत गाली की जैसी लग रही है, सखी मुझे आवाज कैसी लगती है, गाली की जैसी अपशब्द जैसी लगती है मुझे उनकी आवाज, इस काले संकट सागर पर मरने की मनमानी को कुछ बोलो तो, कि इस काले संकट भरे सागर पर अर्थात इतनी सारी जो मनोदश इतनी सारी जो यातनाएं चल रही है, इतनी सारी जो पीड़ाएं हमें दी जा रही है, हमारा जो टॉर्चर किया जा रहा है, इन सब ये सारे के सारे कैसे हैं सागर के जैसे, यानी संकटों के सागर है कठिनाइयों के सागर है हमारे ऊपर मरने की मनमाती, और क्या तुम मरने के लिए आतुर हो रहे हो, क्यों इस समय जो तुम स्वर उठा रहे हो ये तुम्हारे लिए प्राण घातक है, कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो तो तुम क्या चाहती हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों पर हो तैराती, कोकिल बोलो तो कि तुम्हारे जो गीत है वो चमचमाते हैं अर्थात तुम्हारी जो मधुर ध्वनि है वो लोगों को हर्षाने वाली है, उनके मन को प्रसन्न करने वाली है, लेकिन तुम ऐसा दिल को भेदने वाला जो गीत अब गा रही हो ये ऐसा क्यों कर रही हो तुम, आखिर तुझे मेरी हरियाली डाली कि तुम्हें विचरण करने के लिए हरे हरे पेड़ों की डालियां मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली लेकिन मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है, तेरा रंग भर में संचार की तुम्हारा तो पूरे के पूरे आकाश में अधिकार है, तुम जहाँ चाहो वहाँ उड़ा उड़ सकती हो, मेरा रस फुट का संसार मेरा दायरा तो इस 10 फुट के कमरे के अंदर सिमट कर रह गया है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और ना ही मैं अपने मन की आवाज उठा सकता हूँ, तेरे गीत कहावे वाह होना भी है मुझे गुना, तेरे जो गीत है वो तो मधुर गान के रूप में गाए जाते हैं, यानी तेरा जो स्वर है वो सबको सुख देने वाला होता है, मधुरता वाला होता है,
अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी की, देख तुझे तुझ में और मुझ में कितना अंतर है। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बजा रही इस पर रणवीरी और उस पर तेरी जो आवाज है ना, ये युद्ध में युद्ध को मतलब युद्ध के लिए जब ललकारते हैं उस समय की जो वाणी होती है रणवीरी कहते हैं कि तेरी जो वाणी है ये युद्ध में ललकारने वाली है। युद्ध के लिए ललकारने वाले तेरा स्वर मुखरित हो रहा है। अपनी से कहो क्या कर दूं। अब कह रहा है कि तुम्हारी इस आवाज के ऊपर, यानी अगर तुम चाहो तो बताओ अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कि मैं अपनी लेखनी से और ऐसा क्या करूं कि मुझे इस मतलब इस देश की स्वतंत्रता में अपना सहयोग दे सकूं। मुझे बताओ मैं अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसा क्या करूं कि ये जनता जो है वो विरोध का स्वर कर सके। तो फिर बोलो तुम भी कोयल, बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसर किसने भरत कोकिल बोलो तो। बच्चों यहाँ पर जो मोहन शब्द आया है महात्मा गांधी जी के लिए है, उनका पुराना नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो उनके व्रत पर यानी अहिंसा के मार्ग पर या कहो स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए जो उन्होंने कार्य किया, यानी आगे बढ़कर जो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने योगदान दिया, उस योगदान के लिए प्राणों का आसर किसने भर दू, यानी आसर कहते हैं अमृत को, तो किसके प्राणों के अंदर किसके जीवन के अंदर मैं अमृत भर दू कोयल बोलो तो। अर्थात मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की जनता में किस किस में वो जो वो जागरूकता का स्वर, वो राष्ट्रीय प्रेम का स्वर भर दूं जिससे कि ये जनता जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठा सके। हे कोयल बोलो तो मैं ऐसा क्या करूं ये जनता अंग्रेजी शासन को खत्म कर सके और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिला सके। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिल।